नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये जो कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है, आप लोगों के द्वारा काफी ज्यादा ये सीरीज पसंद की जा रही है और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में जल्दी जल्दी वीडियो बना सकूं। इसलिए डेली आपको दो वीडियोज भी मेरे चैनल पर देखने को मिल रही है। दोनों वीडियोज आप लोग जरूर देखेगा। एक वीडियो अब आपको दोपहर के 2 बजे भी देखने को मिल रही है। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो कमेंट है जिसके ऊपर वीडियो बनी है, एक सर ने मुझसे पूछा है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड के ऊपर वीडियो बनाइए सर प्लीज। मैंने क्वांट स्मॉल कैप में 1,000 रुपए की SIP शुरू करी है। इस फंड के बारे में थोड़ा डिटेल वीडियो बना दीजिए ताकि मैं श्योर हो सकूं कि क्या मेरा इन्वेस्टमेंट सही है या फिर मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को स्विच करना चाहिए। देखिए सर, फंड के बारे में तो पूरी मैं वीडियो आपको डिटेल्स वगैरह सब बताऊंगा ही। पहले आपको ये भी श्योर होना चाहिए कि आपने एक स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है। स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्की फंड्स ही होते हैं। अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, आप रिस्क लेने में कैपेबल हैं, तभी आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। या फिर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, आप महीने के 8 से 10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप 2,000 रुपये की SIP स्मॉल कैप में रख सकते हैं। चलिए, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो फंड के बारे में डिटेल्स वगैरह की हम लोग बात करेंगे। देखिए, फंड काफी अच्छा है, लेकिन जो लोग रिस्क ले सकते हैं, जो लोग इस तरह के इन्वेस्टर, देखिए एग्रेसिव इन्वेस्टर इन लोगों को कहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार, मुझे थोड़ा सा सेफर इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैंने भी क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है। रिटर्न्स बहुत बढ़िया है फंड के, लेकिन आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल जो फंड्स होते हैं वहां पर रिस्क ज्यादा रहता है। रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन कई बार रिटर्न्स आपको नेगेटिव में भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब बात लॉन्ग टाइम की आएगी, आप 20-25 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP में, फिर आप स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम में रिटर्न्स आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में। यहां सबसे पहले मैं फंड का नाम लिख देता हूं, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप फंड। नाम से ही क्लियर है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला ये फंड है। चलिए, सबसे पहले फंड के बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे, फंड साइज देखेंगे कैसा है, फंड साइज देखेंगे, एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, फंड में हमें कैसा देखने को मिलता है, और उसके बाद हम लोग होल्डिंग्स देखेंगे कैसी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए, एक SIP कैलकुलेटर के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप 1,000 रुपए की SIP क्वांट स्मॉल कैप में लॉन्ग टाइम के लिए चलाते हैं तो आप कितना बेनिफिट यहाँ ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको SIP करनी ही है क्वांट स्मॉल कैप में, थोड़ी सी आप एडवांस SIP कीजिए, आप स्टेप अप लगाकर एक SIP कीजिए, उसकी बात मैं अभी आगे वीडियो में करूंगा, तो आपको फ्यूचर में और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, यहां अगर मैं इसके फंड साइज की बात करूं, 9,521 करोड़ रुपए का फंड साइज आपको देखने को मिलता है। और क्वांट स्मॉल कैप का फंड साइज पिछले कुछ टाइम में काफी तेजी से बढ़ा है, काफी लोगों ने इस फंड में पैसा अपना इन्वेस्ट किया है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, ये आपको देखने को मिलता है 0.77% का। अब बात करते हैं दोस्तों होल्डिंग्स की। देखिए, होल्डिंग्स की अगर मैं यहाँ बात करूं, 95.5% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, केवल 3.6% पैसा यहाँ डेब्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब देखिए, इक्विटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, मार्केट कैप के हिसाब से बात करूं, इन्होंने किस तरह से अपने एलोकेशन रखे हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में। देखिए, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है फंड मैनेजर ने, यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड, लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप। स्मॉल कैप में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 81.1%, लार्ज कैप में 12.66%। अगर आप में से कुछ लोग थोड़ी सी नजर इन फंड्स पर रखते हैं, लार्ज कैप का एलोकेशन यहां पर थोड़ा सा मुझे बढ़ा हुआ दिखाई दिया है पिछले कुछ टाइम में। पहले लार्ज कैप का एलोकेशन यहां और भी कम दिखाई देता था। मिड कैप में 1.76% पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए, कंपनी वाइज अगर होल्डिंग्स की मैं यहाँ बात करता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है 9.71% का, BSE लिमिटेड में
बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड में, जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड में, अरविंद लिमिटेड में, कर्नाटका बैंक लिमिटेड में, पीएनबी बैंक में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में, अडानी पावर में, तो काफी अच्छी अच्छी जगह होल्डिंग्स इन्होंने बनाई हुई है अपनी, काफी बढ़िया जगह पैसे को इन्वेस्ट किया है। स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ किया गया है, लेकिन स्मॉल कैप में भी फंड मैनेजर द्वारा ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है जिन कंपनियों में उनको पोटेंशियल लगती है कि हाँ ये फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बनाकर हमें दे सकती है। तो यहाँ पर इस तरह से पोर्टफोलियो आपका बनाया गया है। अगर सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ, फाइनेंस में, एनर्जी में, हेल्थ केयर में, सर्विसेज में, काफी बढ़िया सेक्टर्स में पैसे को यहाँ पर डाइवर्सिफाई किया गया है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों रिटर्न्स की। अब बात हम लोग यहाँ पर रिटर्न्स की कर लेते हैं। देखिए रिटर्न्स की मैं यहाँ अगर बात करूं, लास्ट के 5 इयर्स के रिटर्न्स देखेंगे और फिर सीधा लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स हम देखेंगे ताकि हम प्रॉपर एक आइडिया ले सकें कि ये फंड हमें कैसे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। देखिए लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स की मैं अगर बात करूं, काफी मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मैं यहाँ कहूंगा, काफी दमदार रिटर्न्स यहाँ पर फंड ने बनाकर दिए हैं। 41.35% के एनुअल रिटर्न यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। और अगर लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स की मैं यहाँ बात करूँ, देखिए 10 इयर्स तक के रिटर्न्स हमें देखने चाहिए कि लास्ट के 10 साल में फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो हमें देखने को मिले हैं 24% के। तो रिटर्न्स काफी बढ़िया हमें देखने को मिले हैं लास्ट के 10 इयर्स के। अगर आप लास्ट के 10 इयर्स इस SIP में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते तो 24% के हिसाब से आपका पैसा यहाँ पर ग्रो होता और काफी अच्छे रिटर्न्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों फंड कुछ इस तरह का है। अगर आप लोग हाई रिस्क में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, तो आपको जरूर क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस कम है, आप ज्यादा रिस्क में पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप कम समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट अपना नहीं करना चाहिए। अब एक SIP कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ₹1,000 महीना की SIP से यहाँ कितना पैसा बनाया जा सकता है। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि आपको SIP थोड़ी सी एडवांस करनी है। अब वो एडवांस SIP आप कैसे कर सकते हैं उसको आप समझिए। देखिए SIP केवल ₹1,000 महीना से आपको यहाँ पर शुरू करनी है और आपको इसमें स्टेप अप लगा देना है। स्टेप अप केवल ₹100 पर ईयर का। मान लीजिए इस साल आपने ₹1,000 महीना की SIP पे करी, अगले साल से इसी महीने से आपकी SIP 1,000 की जगह ऑटोमेटिक ₹1,100 जाने लगेगी और उसके अगले साल से ₹1,200। इस तरह से ₹100 का स्टेप अप आप अपनी SIP में लगा सकते हैं और फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए स्टेप अप मेरे हिसाब से जरूर लगाना चाहिए। मैं भी अपनी SIPs में स्टेप अप लगाता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा पैसा ऑटोमेटिकली SIP में अमाउंट बढ़ जाता है। नई SIP हम लोग कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम करेंगे SIP स्टार्ट, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। जब ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट हो जाता है तो वो चलता रहता है और हमें फ्यूचर में उसकी वजह से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप अब रिटर्न्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए लास्ट के 10 ईयर्स में 24% के रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। फ्यूचर में रिटर्न्स कम ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है और इक्विटी में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। एग्जांपल के लिए सेफ साइड में थोड़े से कम रिटर्न यहाँ लेकर चलूंगा, 24 की जगह 20% के एनुअल रिटर्न मैं यहाँ एग्जांपल के लिए लेकर चलूंगा। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। देखिए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, तो ड्यूरेशन मैं यहाँ पर 25 ईयर्स की लेकर चलूंगा। अब इन 25 ईयर्स में टोटल पैसा आपका कितना इन्वेस्ट होगा, फाइनली वैल्यू आपको क्या देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं उसके। देखिए अगर आप ₹100 का स्टेप अप लगाकर यहाँ SIP करते हैं और उसको 25 साल तक चलाते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका ₹660,000। ₹660,000 का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ हो जाएगा और फाइनली जो वैल्यू बनेगी ना वो बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी, 1.24 CR। 1,24,00,000 तक की वैल्यू आपको यहां देखने को मिल सकती है केवल और केवल ₹1,000 महीना की SIP से, केवल ₹100 का स्टेप अप लगा के। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, SIPs में अपने पैसे को लगाते हैं, तो देखिए लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे बेनिफिट्स यहां देखने को मिलते हैं। आप लोग कभी भी बहुत जल्दी मत कीजिए। मान लीजिए आपने कोई SIP शुरू करी ₹1,000 महीना की, आप अगले महीने देखते हैं, उससे अगले महीने बार बार एप्लीकेशंस को लोग खोलकर देखते हैं और कहते हैं हमारे रिटर्न्स नेगेटिव हो गए, यहाँ कोई फायदा नहीं है।
देखिए बहुत जल्दी रिटर्न्स यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं लगा रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे को लगा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि रिटर्न्स हमारे डाउन हो गए। देखिए फ्लक्चुएशन यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर बात हमेशा लॉन्ग टाइम की जाती है। जब आप लंबे समय तक कोई SIP चलाएंगे आपको तभी एक्सपीरियंस ये मिलेगा कि हाँ इसमें फायदा है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए आप अपना बहुत टाइम भी गंवा देंगे। इसलिए थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेने में कैपेबल हैं, आपको रिस्क लेना चाहिए, पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, पैसे से पैसा आप बना पाएंगे। देखिए अपने पैसे को केवल सेविंग अकाउंट में रखकर आप कभी भी उससे पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पैसे की जो कीमत है वो दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। 6% का तो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप अपने पैसे पे 6% का सालाना ब्याज कहीं से ले रहे हैं तो आपका पैसा घट रहा है। आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको जो रिटर्न्स हैं वो 14-15% तक के लेने होंगे, तभी आपको फ्यूचर में अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स होंगे उनको आप अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह का ये फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फंड के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई कमेंट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको भी कोई SIP शुरू करनी हो, मन में कोई डाउट आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट पर भी इसी तरह की एक वीडियो में जरूर बना दूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और फंड के बारे में रिसर्च आप जरूर करें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।